हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेआर मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो लेसन प्लान है ये इस टॉपिक पर होने वाला है, एक करेजियस एक्ट। गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, ये प्रोज में आता है, तो चलिए इसको कवर करते हैं। और इसको कवर करने के पहले, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश के 23 लेसन प्लान और मैंने आपको ज्योग्राफी के 23 से 24 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैंने आपको बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं, आई होप कि आपके लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो गाइज, आज का जो ये लेसन प्लान है एक करेजियस एक्ट टॉपिक पर होने वाला है, तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि ये लेसन प्लान कैसे बनेगा। गाइज, ये लेसन प्लान स्टार्ट करने के पहले आप देख लीजिए इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो देख लीजिए, इसका फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, आप इस तरीके से कॉलम वगैरह बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए देखिए गाइस, इसमें आप सबसे पहले लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आप इस तरीके से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ स्कूल लिख लीजिएगा, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आप नेम ऑफ प्यूपल टीचर लिख लीजिएगा, मीन्स छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। गाइज, जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं, तो यहाँ पर आप प्यूपल टीचर में अपना नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आप इस तरीके से टेबल बना लीजिएगा, इसमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन लिख लीजिएगा। आपकी जिस डेट को टीचिंग लगी होगी आप उस डेट को डाल लीजिएगा। इसके बाद क्लास लिख लीजिएगा, फिर आप सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट में आप इंग्लिश और प्रोज लिख लीजिएगा और पीरियड एंड ड्यूरेशन फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है टॉपिक एक करेजियस एक्ट, तो इस पर आज हम ये लेसन प्लान कवर करने वाले हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँ आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो गाइस, इसके बाद आता है आपका जनरल एम्स। जनरल एम्स मीन्स होता है सामान्य उद्देश्य। जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश टीचिंग आपकी जो होती है, इंग्लिश टीचिंग में आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, मीन्स आपके शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ये होता है आपका जनरल एम्स, मीन्स सामान्य उद्देश्य। तो आप इसमें 6 to 8 पॉइंट लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। नेक्स्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू ट्रांसफ़र द रूल ऑफ ग्रामर टू दियर स्टडी कोर्सेज। नेक्स्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट, टू डेवलप दियर पावर ऑफ लॉजिकल थिंग्स। नेक्स्ट, टू डेवलप द वोकेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका टू प्रमोट द राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। और लास्ट है आपका टू इनेबल देम टू गेट इन्जॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। तो ये हो जाता है आपका सामान्य उद्देश्य, मीन्स जनरल एम्स। देन आता है आपका स्पेसिफिक एम। गाइज, स्पेसिफिक एम मीन्स होता है विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स आप इंग्लिश टीचिंग के अंडर में क्या पढ़ा रहे हैं, एक करेजियस एक्ट। ठीक है, एक करेजियस एक्ट टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, ये होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो यहाँ पर आपके 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम्स एंड इमोशनल ऑफ एम्स। तो सब में आप 2 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। तो नॉलेजिकल ऑफ एम्स में आप लिख लीजिएगा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट करेजियस एक्ट। नेक्स्ट आपका टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है आपका टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट मोरल एंड ईजियर। नेक्स्ट है टू डेवलप दियर इंटरेस्ट इन द लेसन। और इमोशनल ऑफ एम्स में आपका आ जाएगा टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ लेसन ए करेजियस एक्ट। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होने के बाद अब आता है आपका आगे प्रीवियस नॉलेज। गाइस, प्रीवियस नॉलेज मीन्स होता है पूर्व ज्ञान। आप जब भी बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं तो हमेशा उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करके ही आगे की नॉलेज देते हैं, तो यही होता है आपका प्रीवियस नॉलेज। गाइस, जो प्रीवियस नॉलेज होता है ये ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं, मीन्स नोन टू अननोन। बच्चे जो जानते हैं उससे आप बच्चे जो नहीं जानते वहाँ तक आप पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मटेरियल एड्स हो जाएगा, ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ईटीसी।
नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोडक्शन। तो गाइस इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्तावना, प्रस्तावित प्रश्न जो होते हैं आपके। यहाँ पे आप बच्चों से काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ का आसानी से आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका प्रॉब्लमेटिक आ जाए। तो यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे हु वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, तो ये बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है, बच्चे आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा वॉट डिड रानी लक्ष्मीबाई डू, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे शी फॉट मैनी बैटल्स एंड वॉन। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे विच पीपल फॉट्स बैटल, ब्रेव एंड करेजियस पर्संस। इसके बाद आपका आता है आगे क्वेश्चन हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द पोयम रिलेटेड टू द करेजियस एक्ट। तो गाइज यहाँ पर पोयम हो गया, यहाँ पर आप लेसन लिख लीजिएगा हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द लेसन रिलेटेड टू द करेजियस एक्ट। तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन आगे आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम, स्टेटमेंट ऑफ द एम मीन्स होता है उद्देश्य कथन। तो यहाँ पर अब आप बच्चों से कहेंगे डियर स्टूडेंट्स टूडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अ करेजियस एक्ट। नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंटेशन। गाइस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप जो पैसेज पढ़ा रहे होते हैं जो लेसन का, उस पैसेज को यहाँ पर आप इंडिकेट कर देते हैं। तो मैंने इस लेसन के 2 पैसेजेस लिए हुए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैंने इस लेसन के 2 स्टैंजा लिए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे आता है आपका मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग क्या होता है, द पीपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन पॉज एंड स्ट्रेस। आप सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उच्चारण के साथ उस पैसेज को रीड करते हैं ताकि बच्चे आपको इमिटेट कर सकें, आपका अनुकरण कर सकें। इसके बाद इंटोनेशन होता है, इंटोनेशन मीन्स होता है आपकी जो वॉइस की उतार चढ़ाव होती है, ये होता है आपका इंटोनेशन। फिर पॉज होता है आपको पैसेज में कहाँ पर रुकना है, फिर कहाँ पर फिर से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन पॉज एंड स्ट्रेस। फिर होता है आपका इमिटेशन रीडिंग, इमिटेशन रीडिंग वही, द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन पॉज एंड स्ट्रेस। यहाँ पर बच्चे आपको इमिटेट करेंगे, आपका अनुकरण करेंगे और सही प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन पॉज एंड स्ट्रेस के साथ उस पैसेज को रीड करेंगे। देन आता है आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, इस पैसेज के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं आप उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं ताकि बच्चे आसानी से इजी तरीके से समझ पाएँ कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिशरमैन, साइक्लोन, एक्सपेक्टेड, हाई टाइड, थंडर, वेव्स, आप यहाँ पर लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पर उसका प्रोनाउंसिएशन लिख देंगे। देन आता है आपका एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स के जो ये आप जो वर्ड्स लिखे थे उसी का मीनिंग भी आप बताएंगे। इसके बाद आता है आपका एक्सप्लेनेशन, अब आपने मीनिंग बता दिया है, अब आप इस पैसेज की मीनिंग बताएंगे, ठीक है, जो 2 पैसेज मैंने लिए हैं इसकी मीनिंग आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि इस कहानी का मतलब क्या है, ये स्टोरी क्या कहती है। इसके बाद आगे आता है आपका साइलेंट रीडिंग, द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली, अब बच्चे उस चीज़ को साइलेंट होके रीड करेंगे मीनिंग के साथ। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में आप इसी पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे और बच्चे उसका आंसर देंगे। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे गायत्रीज फादर वाज अ फिशरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका व्हाट डिड गायत्रीज फादर प्रॉमिस हर, तो इसका आंसर होगा गायत्रीज फादर हैड प्रॉमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा व्हाई वाज गायत्री एक्साइटेड, तो इसका आंसर होगा गायत्री वॉज एक्साइटेड बिकॉज शी वॉज गोइंग फिशिंग विद हर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका व्हाट वॉज द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट वॉज दैट अ साइक्लोन स्टॉर्म वुड हिट
द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो यहाँ पर देखिए आप पैसेज से क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब आपके आता है आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन। इवैल्यूएशन मींस होता है मूल्यांकन करना। अब आप सारे बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, उस पैसे से फिर से बच्चों को खड़ा कर करके क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, टेल द मीनिंग ऑफ साइक्लोन। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि आप मीनिंग बता चुके हैं। वाई वॉज गायत्री एक्साइटेड, फिर से वही क्वेश्चन, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। विच टाइप ऑफ साउंड दे हर्ड ड्यूरिंग द साइक्लोन, बच्चे आंसर दे पाएंगे। वॉट वॉज द साइज ऑफ ड्रॉप्स ऑफ रेन, तो ये भी बच्चे आंसर दे पाएंगे। तो ये हो गया आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन। अब आगे आता है आपका होमवर्क। होमवर्क में राइट द समरी ऑफ द फर्स्ट टू पैसेजेस इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर आप होमवर्क दे देंगे बच्चों को और बच्चे अगले दिन होमवर्क करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आके ये हमारा लेसन प्लान एंड होता है। गाइज अगर आपको मेरा लेसन प्लान थोड़ा भी पसंद आया हो, अंडरस्टैंड आप हुए हों, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।